नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रयागराज में हर्षोल्लास से प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया। खबर उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार प्रभु यीशु के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। प्रभु यीशु के जन्म की मनमोहक झांकी भी सजाई गई थी। प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाने के लिए विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मानव कल्याण के लिए धरती पर प्रभु यीशु के साथ चर्च में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रभु यीशु के आगमन की खुशियां मनाई गई। घरों में सुंदर झांकियां भी सजाई गई। मसीही समुदाय के लोगों ने गिरजाघर में जाकर बाइबल का पाठ भी किया। क्रिसमस खुशी और उत्साह का प्रतीक है। क्रिसमस की शुभ अवसर पर शहर में चारों तरफ धूम मची रही। गिरिजाघर और चर्च के बाहर मेले का आयोजन भी किया गया। बच्चों ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। झूलों का आनंद लेने के साथ खरीदारी भी की। खुशी और उत्साह का प्रतीक क्रिसमस ईसाई धर्म के अनुयायियों का सबसे बड़ा त्योहार है। प्रभु यीशु हमें शांति और प्यार का संदेश देते हैं। प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलकर ही हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने धरती पर आकर संसार के लोगों के बीच पनप रहे घृणा पाप को दूर किया। प्रभु ने हम सभी के बीच भाईचारे एवं आपसी सद्भाव का संदेश दिया। क्रिसमस के शुभ अवसर पर शहर के लोगों ने मेले का भरपूर लुत्फ उठाया। सभी लोग प्रभु यीशु का फोटो भी खींचते हुए दिखे। शहर में चारों तरफ भीड़ दिखाई दी। इंडिया न्यूज 28 के लिए मिर्जापुर से संवाददाता त्रिलोकी नाथ सिंह की रिपोर्ट।